We are proud of Akshat and all the team who has joined us in this venture of National Road Cycle Commission. दोस्तों, सब कमिश्नर बैठे हैं, रिकॉर्ड पार्टिसिपेशन इस बार फ्लैग ये कभी इससे थोड़ा सा स्टेज पे जो वे यू कंडक्ट उसका जो वीडियो देखते हैं, उसका जो फोटोज देखते हैं, नथिंग लेस देन नेशनल रोड, सो यू आर ऑल आप सबको उसी का ट्रायल भी इसमें किया गया है. तो आप इस चीज से थोड़ा ध्यान रखिए, माइंड में रखिए, यू हैव टू गिव योर बेस्ट सो दैट वी सिलेक्ट. तो नॉट अ रेट वी आर माइंड बट दैट्स अ रूल रेगुलेशन यू सी कि आप बता सकते दैट डजंट परमिट एनी एक्सीडेंट. तो ऑल द बेस्ट ऑल द टीम, टेक केयर. और कहीं किसी को कोई किसी किस्म की परेशानी हो तो ऑलवेज किसी किस्म की परेशानी हो कोई मेरे दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे नेशनल चैम्पियनशिप मैंने अटेंड करा है. सबसे बेस्ट अभी तक जो जिंदगी में थी ये अरेंजमेंट और बाकी सब ग्रोग्राफ और सब बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे. बहुत फ्यूचर गवर्नमेंट सिस्टम में काम करते हैं, पता चलते हैं जो काम गवर्नमेंट से सैंक्शन कराना और वो इम्प्लीमेंट करना, सैंक्शन हो जाएगा लेकिन इम्प्लीमेंट टाइम में नहीं होगा. या जो साइकिलिंग होगा वो इतना बढ़िया होगा कि जो देखने वाले लोग हैं बहुत सेटिस्फाई हो जाएंगे. मैं आप सभी का यहाँ पे साइकिल से स्वागत करता हूँ और आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और आप सभी को थैंक यू. और सी एम आई के चेयरमैन ओंकार सिंह जी, रविंद्र सिंह जी, अभियान सिंह जी, यादव साहब शर्मा जी और आप सब लोगों का भरोसा किया कि इतनी बड़ी नेशनल चैंपियनशिप यहाँ पे कराएंगे. मेरे दोस्तों ने, मेरे साथियों ने, जो राजस्थान रोड राइडर्स के मेरे साथी हैं, उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को और इसको ऐसे लिया, हाथों हाथ लिया कि वी आर. अगर कोई स्वस्थ रहता है तो उनको खुशी रहती है. साइकिल चला के अगर कोई तंदुरुस्त रहता, 8 kg जो प्लास्टिक कम करने को होती है उसकी, तो सबसे बड़ी खुशी मेरे को होती है. ये चैलेंज था, चैलेंज को हमने एक्सेप्ट किया है और आप 4-5 दिन तक यहाँ पे हमारे अतिथि बन के रहेंगे. अगर आपको किसी तरह की कोई भी तकलीफ होती है तो मेरा नंबर डिस्प्ले है यहाँ पे, आप मेरे को डायरेक्टली फ़ोन कर सकते हैं. फिर भी इतना बड़ा आयोजन होता है तो छोटी मोटी तकलीफ तो होती रहती है, उसके लिए मैं पहले माफ़ी मांग लेता हूँ आपसे. अगर ऐसी कोई छोटी मोटी आपसे त्रुटि हो जाए या कमी रह जाए तो उसके लिए मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं आपको अश्योर करता हूँ कि विल बी एट द योर प्रिपरेशन. सो आप यहाँ 5 दिन तक एंजॉय करें और ये इवेंट एक इसके लिए लैंडमार्क हो जाएगा हमारे पिंक सिटी के लिए. आपका कोई इसमें हम स्वार्थ नहीं होता है तो अपने आप सारे काम होते जाते हैं. तो ये जो वेलोड्रोम देख रहे हैं आप, पहले भी आप आए थे, इस वेलोड्रोम का जो कायाकल्प हुआ है ये गवर्नमेंट राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है. हम इसके लिए भी मार्ग हैं, हमने रिक्वेस्ट किया आपको और आज आपके सामने इतना बढ़िया वेलोड्रोम यहाँ पे है. और अगर आगे भी कोई इसमें चेंजेस की जरूरत होगी तो हम रिक्वेस्ट करेंगे राजस्थान सरकार का और वी आर रेडी टू गेट इट डन. इतने डस्टबिन रखे गए हैं, प्लीज ये आपका फर्ज है कि आप अपने टीम के लोगों को बताएं कि जहां अकोमोडेशन है, जहां पे वेलोड्रोम है. कल परसों एक वर्ल्ड एंटी डोपिंग की रिपोर्ट आई है जिसमें एक बहुत शर्मनाक बात है कि भारत टॉप 5 डोपिंग वायलेटर्स में से एक है. अबाउट 175 किसी को डॉप पूछ सकता है और यह कर सकता है जैसे कि फिलिंग को टेन ऑफिशियल सेरेमनी मेडल विनर है, आपको कॉल किया जा रहा है. यूनिफॉर्म का आप ध्यान रखें, टीम भी
एक जैसे इस चीज का ध्यान रखें, अलग अलग यूनिफॉर्म या आपकी जर्सी वगैरह नहीं होनी चाहिए। एक बार आपका बाइक साइकिल चेक हो गया, ये 73rd नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 24 से लेकर 28 तक अपने जयपुर में होने जा रही है। इसके लिए 700 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया वो आ चुके हैं और करीब 150 से 200 CFI के ऑफिशियल्स अपने राजस्थान जयपुर में आ चुके हैं। हमारा सौभाग्य है, जयपुर का सौभाग्य है कि CFI ने इस प्रतियोगिता का आयोजन जयपुर को दिया है और हम इसके लिए तैयार, राजस्थान रोड राइडर्स और CFI मिलकर इस आयोजन को कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट में अच्छी अच्छी इवेंट्स होंगी। आप देख रहे हो कि वेलोड्रम का पूरा कायाकल्प हो गया, वेलोड्रम एक तरह से सज धज के दुल्हन की तरह तैयार है और हम चाहते हैं कि आने वाले 4-5 दिनों में यह अच्छा साइकिलिंग देखने को मिले, अच्छे रिकॉर्ड्स बने। और मैं राजस्थान साइकिलिंग टीम को पहले से शुभकामना देना चाहता हूँ कि वो चैंपियनशिप बरकरार रखे। सीनियर साइकिलिंग ट्रैक चैंपियनशिप है 24 से 28 दिसंबर होने जा रही है और राजस्थान रोड राइडर CFI के साथ मिलकर इस टूर्नामेंट को कर रहा है। इसमें जो हमारे जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियन बनाया जूनियर में इंडियन टीम को, उसके ईसो, रोनाल्डो, 2-3 अच्छे 4-5 अच्छे प्लेयर हैं मणिपुर से बिलोंग करते हैं और बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट होने जा रहा है। इसमें हमने इस ट्रैक को इस स्टैंडर्ड के लिए बनाने में पूरी भरसक कोशिश करी है प्रशासन के साथ, काफ़ी सीनियर लोगों के साथ उनकी गाइडेंस में, और हम अच्छे से अच्छा इसमें व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। ईश्वर से कामना करते हैं कि बिना किसी दुर्घटना के ये टूर्नामेंट संपन्न हो जाए। ठीक है, मैं राजस्थान साइकिलिंग संघ का और राइडर्स क्लब का आभारी हूँ जिन्होंने ये इतना अच्छा आयोजन किया। रिकॉर्ड एंट्रीज हैं, आज तक इतने साइकिलिस्ट कभी किसी ट्रैक इवेंट में नहीं आए हैं, 550 से ऊपर साइकिलिस्ट, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। जयपुर जो आज 3 साल पहले एक इवेंट किया था उससे सीख लेते हुए ये एक इवेंट इतना अच्छा होने जा रहा है। यहाँ के इंतजाम, यहाँ का रख रखाव, बच्चों का टेक्निकली कंडक्ट इस इवेंट का बहुत उम्दा रहेगा और इस बात के लिए मैं इस लोकल ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत की इसके ऊपर, जो इस पूरे ट्रैक का काया पलट कर दी उन्होंने, जो हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है साइकिलिंग फेडरेशन के, क्योंकि हमारा प्रयास यही रहता है कि जहाँ हैं वो अच्छे चलें, जहाँ नहीं हैं वो बने, तो ये अच्छा बन गया है। हमारा प्रयास रहेगा भी, मैं सरकार से भी बात करूँगा, हमारा एक सपना है कि जयपुर में एक परमानेंट अकेडमी खोली जाए साइकिलिंग की, जिसके लिए आई विल टॉक टू द गवर्नमेंट, चीफ सेक्रेटरी साहब अगर आएंगे उनसे भी, मंत्री आएंगे उनसे भी ये मैं आग्रह करूँगा कि जहाँ टैलेंट है, राजस्थान में बहुत टैलेंट है, अपने बस इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो हमें कमी किस बात की है, तो हमें यहाँ परमानेंट एक अकेडमी शुरू करें ताकि हम अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी यहाँ से प्रोड्यूस कर सकें। बाकी इस आयोजन के लिए मैं सबको बधाई देता हूँ, जो जितने भी यहाँ लोग जुड़े हुए हैं उन्होंने इतना अच्छा इसका प्रयास किया, इसमें मैं बहुत इन सब का थैंकफुल। 28 स्टेट और बोर्ड से लोग आए पार्टिसिपेट कर रहे हैं जयपुर की इस नगरी में, अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। 550 से ज़्यादा साइकिलिस्ट आए, ये आज तक की सबसे बड़ी संख्या है और इससे एक बात तो बिल्कुल तय है, दिन ब दिन साइकिलिंग की जो पॉपुलैरिटी है बढ़ती जा रही है, बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे बच्चा अच्छा कर रहे हैं, सो ये इसमें बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है, अच्छे रिकॉर्ड टूटेंगे। हमारी जो इंडिया टीम है जो जूनियर में वर्ल्ड नंबर 1 थी, वो भी आज यहाँ बच्चे अब सीनियर में आ गए हैं, वो भी यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, तो हमें बहुत अच्छा यहाँ पे इवेंट मिलेगा। सर, कोविड के बाद में ये चीज़ बढ़ी है या उससे पहले से इसमें बढ़ोतरी? नहीं नहीं, ये तो शुरू से ऐसा, अभी धीरे धीरे हर साल इसमें एक बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन कोविड के बाद थोड़ी ज़्यादा हो गई, क्योंकि साइकिलिंग की तरफ रुझान जो है, अगर अपन देखें तो इस पिछले 1.5-2 साल में साइकिलिंग का जो मैं समझूँ एक मार्केटिंग है साइकिलिंग की, वो इतनी बढ़ गई है, भाई बीच में एक एक दुकान पे हिंदुस्तान में कहीं साइकिल उपलब्ध नहीं था, तो इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है फिटनेस की वजह से, कोविड की वजह से लोग जागरूकता आई है,
और लोग अपनी हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो साइकिलिंग ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। इसमें ये बहुत बड़ा योगदान है साइकिलिंग का। व्हीलचेयर ट्रैक है जिसको हम साइकिलिंग की लैंग्वेज इसको वेलोड्रोम कहते हैं। ये 350 मीटर इसका जो एरिया है 350 मीटर का है, और इसमें खासियत यह है कि इसकी जो बैंकिंग है, जो कोनों के ऊपर जैसे हम वो देखते हैं बैंकिंग है, वो 36-37 डिग्री की है। साइकिलिंग में एक जो स्पीड का काम है उसी वजह से उस सेफ्टी को देखते हुए ये चीज़ें बनाई गई हैं। तो ये ट्रैक अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है राजस्थान के लिए। एक ट्रैक मतलब एक ही ट्रैक आज की डेट में है, बीकानेर में दूसरा बन रहा है, लेकिन ये सबसे बढ़िया ट्रैक है जहाँ आप प्रतियोगिता होने वाली है। और मैं आशा करता हूँ इतने अच्छे ट्रैक में बहुत नेशनल रिकॉर्ड बनेंगे। तो मैं ये ट्रैक के बारे में, ये इसका जो ठीक किया गया राजस्थान सरकार का बहुत धन्यवाद करूंगा। ये एक ऐसी फैसिलिटी क्रिएट कर दी है जो एक साइकिलिंग के लिए अपने आप में बड़ी उपलब्धि। सर किसी को अलाउड नहीं होता क्योंकि साइकिलिंग बहुत एक अपने आप में बहुत तेज रफ्तार से चलते हैं, तो लोगों को दूर रखने के लिए, एक्सीडेंट बचने के लिए, तो ये इसको सेफ्टी जोन बोला जाता है। इसमें किसी को भी अलाउड नहीं किया जाता जब रेस चल रही है।